ये जो कमेंट था ये पढ़ के मैंने सोचा ही नहीं, मतलब मेरे दिमाग में आया नहीं, मैं इस पर क्या बोलूँ यार, मतलब क्या बोल सकता हूँ इस पर। ब्रो आप इतने क्यूट क्यों हो, लड़की होता तो आपसे ही शादी कर लेता। हेलो आ गए यार, बहुत एग्जॉस्टेड हो गया है, मतलब मेरी तबीयत थोड़ी मुझे ख़राब लग रही है, तो आज मैं बाहर नहीं जाने वाला हूँ, आज थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, क्योंकि डेली व्लॉग्स करते करते थोड़ा बहुत एग्जॉस्टेशन हो जाता है। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं, और आज मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, तो जो हम सेगमेंट चलाते हैं संडे को, कमेंट शमेंट ऑन संडे, वो आज करेंगे, कमेंट शमेंट ऑन मंडे में। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आपका जैगी आपके साथ। इंट्रो से शुरुआत करते हैं। हेलो हाय नमस्ते सलाम जैगी बंदे का नाम, वेलकम टू माय लाइफ, वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंसेंट जैगी। कैसे आप सब लोग, सब बढ़िया मेरी माने तो सब सही है ब्रो, और सब सही है ब्रो। अभी थोड़ा सा अपना ठीक ठाक है ब्रो, मतलब सब कुछ सही ऐसा नहीं बोल सकते, आराम से बैठता हूँ। एक्चुअली हो ये रहा है कि डेली व्लॉग्स बनाने के कारण थोड़ा रात भर हम जाग लेते हैं, जिसके वजह से एक्सर्शन टाइप का हो गया है। अब कल मैं बाइक ट्रिप पे गया था, अगर आपने मेरा कल का व्लॉग नहीं देखा है तो अभी ये आई बटन में है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं इस व्लॉग के बाद, ठीक है। तो एक्सर्शन होने के कारण थोड़ा सा बुखार मुझे महसूस हो रहा है, और कुछ नहीं है। सो इसलिए आज मैं घर पे रहूँगा, और मैंने डिसाइड किया कि जो हम सेगमेंट करते हैं कमेंट शमेंट ऑन संडे, जिसमें मैं आपके कमेंट्स के रिव्यू करता हूँ, आपके सवाल जो होते हैं उसके जवाब देता हूँ, वो आज हम करेंगे कमेंट शमेंट ऑन मंडे में। देखिए अपना चैनल है तो किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं, तो हम कभी भी कॉन्टेंट इधर का उधर कर सकते हैं, तब सही है ब्रो। और वैसे मैं ग्रीन कॉफ़ी पी रहा हूँ, अच्छी होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे समय में ग्रीन कॉफ़ी जरूरी। सबसे पहले चीयर्स करता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ। चीयर्स। सो आपके काफी सारे सवाल हैं, काफी सारे मेरे जवाब हैं, तो आइए शुरू करते हैं कमेंट शमेंट ऑन मंडे, लेट्स गो। तो ये पहला कमेंट है इश छेत्री। इन्होंने कहा है कि सपोर्ट टोर्नेडो गेमिंग ऑल्सो। तो टोर्नेडो गेमिंग करके एक चैनल है, आप सपोर्ट कर सकते हैं। इंसन जैकी सबको सपोर्ट करता है, जैकी सबको सपोर्ट करता है यार, कम ऑन यार। राइक पबजी यार, कैसे कैसे नाम होते हैं यार भाई। गोप्रो के बारे में बताओ प्लीज, गोप्रो के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि गोप्रो कौन सा है, क्या है, नया लिया, कौन सा गोप्रो है, मैसेज है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो GoPro है, GoPro Hero 5 है, और मैंने वो सेकेंड हैंड परचेस किया। आप कितने में परचेस किया नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे पास ज़्यादा फंड नहीं था, और मुझे बहुत अच्छे डील में ये GoPro Hero 5 मिल रहा था, इसलिए मैंने GoPro Hero 5 परचेस कर लिया। अब जब तक ये चलेगा तब तक चलाएंगे, और डेफिनेटली बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपने मेरे मोटो ब्लॉग देखे ही है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ मोटो ब्लॉग के लिए, और यह मेहनत सफल हो रही है। वंश कहता है कि सब सही है ब्रो, 2K स्पेशल वीडियो बन होना। 2K स्पेशल वीडियो आप करा सकते हैं यार, बताइए ना, आप जितने भी लोग देख रहे हैं अपने फैमिली फ्रेंड सब्सक्राइब कराइए यार, प्लीज यार, 2K जल्दी होने वाले हैं। सो प्लीज सब कराए, प्लीज सपोर्ट मी, उसके बाद अपन स्पेशल वीडियो बनाएंगे 2K का, एकदम स्पेशल वीडियो, ठीक है। इतना सपोर्ट कर दीजिए, साल के एंड तक 31 दिसंबर तक 2K करा दीजिए। ओके थैंक यू। गिटार ग्राफी, इनका कहना है कि इस बाइक का रिव्यू बनाओ भाई, इसके पार्ट मिलते हैं और कॉस्ट कितनी है पार्ट की, सर्विस की, और सेकंड हैंड लेने के लिए ये बाइक कैसी रहेगी। अच्छा मेरे पास जो धन्नो है, मेरी बाइक का नाम है होंडा ट्विस्टर, मैंने काफी पहले इसे लिया था, और बहुत अच्छी बाइक है, मतलब 100cc में, सुनो यार, मतलब 100cc में आपको एकदम स्पोर्टी लुक ये दे रहा है, तो मतलब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, और क्या भागती है यार, मतलब 100 की स्पीड तो पकड़ ही देती है, और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तो ये बाइक मिलती नहीं, और सर्विसिंग तो मैंने होंडा सर्विस केयर में दिया था, तो 3-4 हज़ार रुपये लग गए थे, क्योंकि बहुत ही बेकार हालत हो गई थी, लेकिन अब एकदम। तो थैंक यू सो मच गिटार ग्राफिक, और सेकेंड हैंड अगर आप लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन देख के लीजिएगा, क्योंकि लोग
बाइक को बहुत रगड़ देते, उसके बाद बेच देते हैं, ठीक है। साइफर गैब्रियल गेमिंग कहते हैं कि लखनऊ कब आ रहे हो ब्रो, मूवी देखने चलना है। अच्छा, ये शायद मेरे लिसनर थे जो हमेशा मुझे फोन करके बोलते थे कि ब्रो मूवी देखना है, मूवी देखना है। मैं मूवी टिकट बांटता था तभी रेडियो शो में। लखनऊ बिल्कुल आना होगा, और लखनऊ में आऊंगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब मैं थोड़ा सा इंडिया टूर निकालूंगा तो उसमें अपना लखनऊ भी होगा, क्योंकि लखनऊ से बहुत प्यार मिला, 1.5-2 साल क्या प्यार मिला लखनऊ से। थैंक यू सो मच लखनऊ इतना सारा प्यार करने के लिए। लखनऊ जरूर आऊंगा पक्का, पिंकी प्रॉमिस कर दो, पिंकी आगे कर दो, पिंकी आगे कर। वंश एक बार फिर से कहते हैं कि ब्रो आप अपना बियर्ड ट्रिम मत करना, हैंडसम लग रहे हो इसमें। थैंक यू सो मच। कोई तारीफ करता है तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वंश, थैंक यू सो मच। रोमी कतरे कहते हैं कि भैया हेलमेट पहनने के पहले हेयर को कवर करते जाओ अच्छा रहेगा। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच रोमी, थैंक यू सो मच केयर करने के लिए। बिल्कुल, मैं अभी इनका जब से मैसेज पढ़ा मैंने, रोमी आपका जब से मैसेज पढ़ा तब से मैं हेलमेट लगाने के पहले एक रुमाल बांधता हूँ, उसके बाद हेलमेट लगाता हूँ। थैंक यू फॉर केयरिंग मी यार, थैंक यू सो मच लव कमिंग फ्रॉम यू। टर्बो यो ये कहते हैं कि मेरे न्यू एयरपॉड का नाम क्या रखूं। इनसेन वाली चीजें आपके अंदर भी आ गई, देखते देखते मैं भी अपने चीजों के नाम रखता हूँ, अलग अलग चीजों के नाम रखता हूँ। आपके एयरपॉड का नाम रखना है तो आपके एयरपॉड का क्या नाम रखा जाए? एयरपॉड स्काई हाई, स्काई हाई मतलब स्काई, एयर एयर में रहता है स्काई में, और हाई मतलब अच्छे साउंड सुनाता है, तो स्काई हाई आपके एयरपॉड का नाम रख सकते हैं, तालियां। अयुध कहते हैं कि अदियोस अमिगोस फील लाइक अ कॉपी, इफ यू कैन ऐड समथिंग ऑफ योर ओन लाइक जैकी बंदे का नाम, इट वुड बी अमेजिंग। थैंक यू अयुध, थैंक यू सो मच। मैंने आपको कमेंट में भी कहा था कि इस कमेंट को मैंने बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लिया है सही में, कि अपनी खुद की एक पहचान होना, अपना खुद का एक स्टाइल होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं ज़रूर अदियोस अमिगोस की जगह कुछ और इस्तेमाल करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ये जो कमेंट था ये पढ़ के मैंने सोचा ही नहीं, मतलब मेरे दिमाग में आया नहीं, मैं इस पर क्या बोलूँ यार, मतलब क्या बोल सकता हूँ इस पर। ब्रो आप इतने क्यूट क्यों हो, लड़की होता तो आपसे ही शादी कर लेता। सॉरी ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। टेक ब्लास्ट ने एकदम ब्लास्टिंग कमेंट किया है, एकदम ब्लास्टिंग। उन्होंने कहा है कि खुद के सब्सक्राइबर तो है नहीं, हमें सिखाएगा। हाँ नहीं तो गलत बात है यार, खुद के सब्सक्राइबर तो है नहीं मेरे, और मैं आप लोगों को सिखाता। मैंने बिल्कुल भी इस वीडियो में नहीं बोला था, मैंने ये वीडियो बनाया था आइडिया फॉर हाउ टू डेली व्लॉग, हाउ टू गेट आइडियाज फॉर डेली व्लॉग। इसमें मैंने बिल्कुल भी सब्सक्राइबर की बात नहीं किया था, और आपने बिल्कुल सही कहा कि जिसके सब्सक्राइबर नहीं है उसको बिल्कुल हक नहीं है बोलने का कि आप सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, लेकिन मैंने इसमें तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, मैंने सिर्फ आइडिया की बात किया था कि आइडिया आप कैसे ला सकते हैं, बाकी सब्सक्राइबर तो क्या, वो तो आपका वीडियो अच्छा रहेगा तो अपने आप सब्सक्राइब हो जाएगा। मेरा तो हमेशा से यही मानना है कि अगर आपका वीडियो अच्छा होगा तो आपके सब्सक्राइबर अपने आप बढ़ेंगे, नहीं तो कितना भी बोल लो नहीं बढ़ेंगे। सो टेक ब्लास्ट, थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोला था, आप शायद रॉन्ग नंबर लग गया। सधान महतो का कहना है कि भैया मैं कैमरे पे बोल नहीं पा रहा हूँ, कुछ तरीका बताइए, मैं आपका सारा व्लॉग देखता हूँ। सबसे पहले थैंक यू सधान, थैंक यू सो मच। आप कहाँ से हैं जरा, अगर ये आप वीडियो देख रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कैमरे में बोल नहीं पा रहे हैं, काफी लोगों की प्रॉब्लम होती है, मेरी भी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन ये प्रॉब्लम वक्त के साथ साथ दूर हो गई। अगर आप भी कैमरे पे बोलना नहीं चाहते तो जितना कैमरे पे बोलना है उतना बोलिए, अटकिए, कुछ भी कीजिए, बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपको जमेगा नहीं, एक बार आपने बोलना शुरू कर दिया धीरे 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 प्रैक्टिस होते होते सब कुछ हो जाएगा। मैं भी पहले पब्लिक में ब्लॉग करने के पहले हिचकिचाता था, ये लोग देख रहे हैं वो लोग देख रहे हैं, लेकिन अभी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये अपन ने इसको अपना डेली रूटीन बना लिया है ना, तो डेली ब्लॉग करने का मुझे बहुत सारा फायदा हुआ। आप भी डेली रिकॉर्ड कीजिए, और क्या, और बाकी लाइफ में कुछ भी हो जाए सबको मालूम है, दिल पे हाथ रखने का कहने का सब सही है ब्रो। देवेश द्विवेदी ने कहा है कि वाई बलेनो, वाई नॉट I-20 2020, व्हाट अबाउट सेफ्टी ऑफ बलेनो। भाई मैं सही बता रहा हूँ, बापू ने अगर डिसाइड कर लिया कि बलेनो लेना है तो आप उनके सामने BMW भी ले आओ, उनके पास पैसा हो वो बलेनो ही ले। जो डिसाइड किया पप्पा ने वो अपन ने ले लिया, सीधे साफ बात, इस पर नो कमेंट्स, क्योंकि पप्पा भी ये वीडियो देखते हैं। कुणाल जी थोड़ी बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं कि हैट्स ऑफ टू यू भाई, इतने लोगों के सामने और स्पेशली एक शादी में लोगों के बीच आप व्लॉग करते हैं, इट टेक्स लॉट ऑफ करेज टू डू इट, थैंक यू सो मच। एक बहुत बड़ा कमेंट आया है, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात कही है तो बताता हूँ। Bro, I have been watching your vlog since beginning, your content and the way you're presenting is amazing, but it's very difficult to understand for me that why your YouTube channel is not growing, and as well as betterment means you are not getting views as much as you deserve, because you are putting great effort in it and uploading a video consistently. I suggest you to come on Insta and FB as well, wahan par bhi aap apna content share kare, there are a large number of audience, you will definitely get tons of subscribers and views, which you truly deserve, you're truly well wisher, bole to sab
हाँ, इनका नाम है शिप स्पॉइलर साद शाद. थैंक यू शिप सेलर शाद. यार आप लोग सपोर्ट करो ना यार, थोड़ा सा दोस्तों से कहो, अपने फ्रेंड्स से कहो, फैमिली से कहो, सब्सक्राइब करें यार, थोड़ा सा कहना चाहिए ना. मैं ये सोच रहा हूँ कि यार दिसंबर के एंड तक मैं अपने 2K तो हो जाए यार. 2K प्लीज़ 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 सपोर्ट मी 2K. और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होगा कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया. प्लीज़ हाँ, थोड़ा सपोर्ट बनता है यार भाई के लिए, बहुत मेहनत करता है तो थोड़ा सा. तो भैया यहीं पे कमेंट खत्म होते हैं हमारे, कमेंट शमेंट ऑन मंडे में. तो इतने सारे कमेंट आए थे, कुछ रह गए होंगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, अगले सेशन में हम इसे कवर करेंगे. कुछ पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं. कहाँ पे पूछना है आपको, कमेंट पे पूछिए, जो कुछ पूछना है सारे सवालों का जवाब देगा आपका इंसिन जैकी. यो बाकी क्या है, बाकी सब सही है ब्रो. अच्छा है बड़ा चुम्मा ये तेरा, सच्चा है बड़ा, दिन में दो दफा चाहिए सनम, रखता है मेरे खून को गरम. करो ना गो गो करो ना गो करो ना गो गो करो ना गो करो ना गो करो ना. अदियोस अमिगोस बूम. काबिल वो इंसान है जो बातिल को टुकरा दे, चुल्ले कश्ती वो जो साहिल तक पहुंचा दे, शक्ति वो जो जाहिल शख्स को डांटे चाटे जड़ दे, रुकावट को काटे जड़ से, मंजिल तक पहुंचा दे, जड़ से नाते जोड़े.